नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। एक न्यूज अभी जो है आज आई है और CM योगी का एक बड़ा ऐलान, एक मीटिंग हुई है, एक बैठक उससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज को, बड़ा कर लेते हैं जूम। यूपी में शिक्षा आयोग के गठन को लेकर बैठक, जो लगातार हम आप लोगों से चर्चा करते रहते हैं, पोस्ट में भी आपने पढ़ा होगा, हम लगातार लिखते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि अब जो भी भर्ती होगी वो जो नया आयोग बनाया गया है वो अब कराएगा। और अब आप लोग किसी भी शिक्षक भर्ती को हल्के में न लीजिए, क्योंकि तो बहुत कुछ बदल रहा है तेजी से। ये बैठक हुई है और शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई है, इसमें सीएम योगी ने ऐलान किया है। यूपी में शिक्षा आयोग के गठन को लेकर बैठक की गई, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि शिक्षा आयोग के गठन को, यानी कि 2017 में जब बीजेपी आई थी यूपी के सत्ता में, तो उन्होंने एक नए आयोग की घोषणा की थी और आयोग बन भी गया था, लेकिन उसमें अध्यक्ष वगैरह इत्यादि नहीं अभी तक चुने गए, जिन भी कार्डों से ठंडे बस्ते में चला गया था। तो अब उसका गठन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की, जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे वो सीएम खुद थे। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को मिलाकर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। तो जितने अलग अलग ये लेवल की परीक्षाएं होती थी, भर्ती होते थे, इन सबको अब अलग अलग न करके एक साथ एक आयोग बना दिया जा रहा है और वो होगा शिक्षा आयोग। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यूपी सरकारी स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप जान रहे हैं लगातार जो है क्लास स्मार्ट किए जा रहे हैं, कायाकल्प के तहत आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो है जो नया आयोग है सारी भर्तियां यही करेगा, अब PNP नहीं करेगा, ठीक है। अब जो भी होगा माध्यमिक के माध्यम से नहीं होगा, ना ही PNP कुछ कराएगा, ना आयोग जो था हमारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, वो जो कुछ भर्तियां करता था शिक्षकों की, वो सब भर्ती अब कहीं इधर उधर से नहीं होंगे, सब एक टेबल पर आ गए, एक विभाग के अंडर में आ गए और शिक्षा आयोग। इसके संबंध में सभी TV वगैरह पर, अन्य चैनलों पर भी आने लगा है न्यूज, आप देख सकते हैं भारत समाचार की तरफ से है, कुछ पॉइंट उन्होंने मीटिंग के यहाँ पर अलग अलग दिए हैं। पहला पॉइंट है शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर। जो मीटिंग हुई है उसमें इस पर चर्चा हुई है कि शिक्षकों का जो चयन हो वो समयबद्ध हो। हम भी लगातार पोस्ट लिखे हैं, कई बार बताए हैं कि जो नया आयोग है वो पूरे वर्ष का कैलेंडर जारी करेगा कि कब कौन सी भर्ती आएगी, किस तारीख को, कब कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, किस समय उसका एग्जाम होगा, कितने दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया, इंटरव्यू, डेमो, जो कुछ होना है सब तय समय के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि 69,000 भर्ती आई, 68,500 भर्ती आई, 72,000 भर्ती आई, सालों साल चल रहा है, ये सब नहीं होगा जो पहले से चलता आ रहा है, सिस्टम बदलने जा रहा है। तो पूरा कैलेंडर आएगा वर्ष का और उस कैलेंडर के अनुसार ही सब कुछ चलेगा, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो LT हो, या जो भी बेसिक में या माध्यमिक या जो भी शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी सब इसी के तहत। फिर अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन। आप लगातार मेरे पोस्ट में पढ़ रहे होंगे, मेरे वीडियो में सुन रहे होंगे, कॉल पर बात कभी किए होंगे, तो हमने इसका जिक्र जो है बार बार किया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो इसका गठन होने जा रहा है, अध्यक्ष या अन्य जो भी पदाधिकारी वगैरह हैं उनका चुनाव होगा, चुना जाएगा कि कौन क्या संभालेगा। जल्द होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और इसमें अब जो भी समय लगे, जल्द कह रहे हैं होगा, तो मानकर चलिए कि महीना दो महीना जो भी समय लग जाए, या और जल्दी भी हो सकता है। यूपी में एक ही आयोग से होगा शिक्षकों का चयन, यानी जितने भी अब शिक्षक रखे जाएंगे किसी भी लेवल पर वो सब इसी आयोग के माध्यम से होंगे, यानी कि हर जितने भी लेवल हैं वो सारे लोग अपने रिक्वायरमेंट जो है भेजेंगे इस आयोग को कि हमें इतने प्रोफेसर की ज़रूरत है, इतने लेक्चरार की ज़रूरत है, इतने TGT की, इतने PGT की, इतने सहायक अध्यापक की, जो भी होगा, या चपरासी की, प्रिंसिपल की, लाइब्रेरियन की, या जो भी भर्ती होनी होगी
शिक्षा विभाग में, वो अपनी रिक्वायरमेंट इनको भेजेंगे और ये हर वर्ष विज्ञापन जारी करेंगे और उस विज्ञापन पर जो है भर्ती करेंगे और नियत समय में करेंगे। तो कौन कौन से हैं इसमें, बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है। बेसिक आप जानते हैं कि प्राइमरी जूनियर वगैरह आ गए इसके अंदर, अभी बालवाटिका शुरू हुआ है वो भी इसके अंदर आ गया, माध्यमिक टीजीटी पीजीटी, उच्च और ऊपर की, और तकनीकी ये टेक्निकल जो भी होंगे शिक्षा से संबंधित वो सारे। तो अब जितनी भी भर्ती होगी सब इसी के थ्रू होगी, किसी भ्रम में न रहिए, जा कर के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और देखिए ये सब कुछ उसी के तहत हो रहा है, कुछ अलग से नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पहले से लिखित में हैं कि ये सारी चीज़ें सबको करनी है, हर राज्य को करनी है, उसी के तहत ये सब हो रहा है, सभी राज्य उसी के तहत कर रहे हैं। तो वहाँ जो कुछ लिखा है वो सब होगा, और जो इंटरव्यू डेमो है हम बार बार जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रहेगा। यहाँ कोई अच्छी वाली बात नहीं है कि कहीं होगा कहीं नहीं, सब में लागू होगा। अब ये आयोग ही ये सारी चीज़ें कराएगा। तो जिस भी भ्रम में आप जी रहे हैं सारे भ्रम से बाहर निकल आइए। पुरानी सारी भर्ती बंद हो चुकी, किसी भर्ती में धरना प्रदर्शन वगैरह करने से कोई लाभ नहीं होगा। 69,000 भर्ती में 6,800 ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ चंदा वसूलने का तरीका है। और चाहे इसके पहले 68,500 हुआ, उसमें लोग कह रहे हैं कि जो मेरिट है कट ऑफ गिरेगा, या उसके 20,000 पद 69,000 में जोड़े जाएंगे, ये सब भ्रम है, फालतू बातें हैं, कुछ नहीं ऐसा होना है। 72,825 को लेकर के जो है तरह तरह के नेता हैं वो पैसा लूट कर रहे हैं सालों से, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हम ये करा देंगे हम वो करा देंगे, तो वो सब झूठ है। पुरानी किसी भर्ती में कुछ नहीं होना, ये जो नया आयोग बन रहा है अब आगे सारी भर्तियों में जो कुछ होना है वो यही करेगा, पुरानी भर्ती को हाथ भी नहीं लगाएगा। सारी भर्ती क्लोज हो चुकी है, अब नए तरीके से सब कुछ होगा। तो सुपर टेट आ चुका है, आगे सुपर टेट होगा ही होगा, और जो केंद्र के अनुसार जो भर्ती होनी है हम लगातार बताते हैं वर्षवार, वो अलग है। उसमें आपको इंटरव्यू डेमो मान कर चलिए कि होना ही होना है, कन्फर्म है, पढ़ाई में लग जाइए। जो भी आपके पास समय हो, जितना भी समय हो, उस समय को ये सोच करके लगाइए कि यही पहला और अंतिम मौका आपके लिए है, इसके बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो फोकस कर लीजिए पढ़ाई पर, क्रमशः जो कुछ भी हम बता रहे हैं देर सवेर सब सामने आता है, आप देख चुके हैं, और ये भी आज एक सामने आया है। हम लगातार इसका जिक्र बार बार कर रहे थे, हर पोस्ट में लिख रहे थे, आप लोग पता नहीं ध्यान दिए नहीं दिए, अखबार में भी न्यूज़ बार बार आ रहा था। अखबार में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी भी न्यूज़ एक साथ सारे न्यूज़ नहीं आते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग न्यूज़ आते हैं, उनको आपको कटिंग रखिए या दिमाग में रखिए, उनको जब ले करके जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वास्तविक न्यूज़ क्या है, क्योंकि अलग अलग समय में एक एक पार्ट आता है किसी भी न्यूज़ का। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू डेमो होगा ही होगा ये मान करके, और यही अंतिम मौका है, इसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला है। 2023 में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बहुत कुछ होना है और 2023 से होना है। तो ये जो नया वर्ष शुरू हुआ है, आपने 1 तारीख को नया वर्ष मना लिया, बड़े खुश हो गए होंगे एक दिन में, तो 1 तारीख को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सन बदला है, तारीख बदला है, और जो आपका बड़ा कुछ होने जा रहा है, बड़ा कुछ होना, वो ये सब है आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो वो सब जो है भ्रम से निकलिए, जो कुछ भी जहाँ कुछ भी कर रहे हैं जैसे भी पढ़ सकते हैं, किताबों से, YouTube से, जैसे भी पढ़िए, गणित पर कमांड कीजिए, दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी पर कमांड रखिए, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, करेंट अफेयर्स हो गए, इन सब पर पकड़ बनाइए, रोज अखबार पढ़िए, कोई पत्रिका ले लीजिए, बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं, प्रतियोगिता दर्पण है, कुरुक्षेत्र है, योजना है, समसामयिकी है, घटना चक्र है, पत्रिका हर महीने लीजिए, पढ़िए, और सिर्फ लेने से नहीं, पढ़ने से काम बनेगा। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कल कुछ पढ़ा आज कुछ और पढ़ रहे हैं फिर कल कुछ और पढ़ेंगे, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, नया भी पढ़ते रहिए, आगे जो विषय आपका है उसको रिवाइज कीजिए, उस पर अच्छा कमांड कीजिए, जो विषय आपका नहीं है उस पर
खास तौर पे फोकस कीजिए। अगर आपको मैथ में दिक्कत है, आप मैथ से आज तक भागते आए हैं, तो मैथ को ही अपना बेस बना लीजिए कि अब हमें मैथ पर कमांड करना है और 2 घंटे रोज़ मैथ लगाइए। अगर आपको जो लगता है कि इंग्लिश में हम कमज़ोर हैं, तो इंग्लिश पर ही फोकस कीजिए। कौन सी किताबें पढ़नी है इसके संबंध में हमने वीडियो बनाए हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए, वहाँ पर बुक्स हमने बताए हैं सारे। सुपर टेट का सिलेबस उठा लीजिए, या कक्षा 8 तक की सारी किताबें NCERT या स्टेट वाली तो पढ़ जाइए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें लगातार जो है चर्चा होती रहती है, डालते रहते हैं। इसमें इतना ही, चलिए फिर आगे जो आएगा और शेयर करते रहेंगे, ठीक है।